गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज जो हम सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं हमें फ़िजिकल क्वानिटीज होती हैं जैसे लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिकल करंट ये हमारे क्या हैं फ़िज़िकल क्वान्टी इनको मैयर करने के लिए हमारे पास फिक्स्ड यूनिट्स होते हैं जैसे कि मीटर किलोग्राम टाइम को हम सेकंड में करते हैं मास को हम किलोग्राम में करते हैं और जो लेंथ है? है उसको हम मीटर में करते हैं ठीक है और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम एम्पेयर में करते हैं ये हमारे क्या है फिक्स्ड यूनिट है ठीक है दस द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटी विद फिक्स्ड यूनिट और रिकॉर्डिंग इट्स मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड मेजरमेंट वही उन्होंने बताया कि जो क्वांटिटी है विद फिक्स्ड यूनिट और रिकॉर्डिंग इस कॉल्ड मेजरमेंट जो क्वांटिटी है उनको फिक्स्ड यूनिट के साथ हम और रिकॉर्डिंग है उसको मेजर करते हैं उसको फिक्स्ड यूनिट हमें दिए जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारी कुछ क्वांटिटीज होती हैं इलेक्ट्रिकल की उनको भी मेजर करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हमारी आ जाती हैं करंट वोल्टेज पावर एनर्जी, फ्रिक्वेंसी पावर फैक्टर रजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एक्सेट्रा विच आर रिक्वायर्ड टू बी मैय इनको मैयर करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि जो हम करंट को मैयर करते हैं मीटर के साथ जो वोल्टेज है उसको वोल्ट मीटर के साथ जो पावर है उसको हम वोल्ट मीटर के साथ करते हैं जो एनर्जी है उसको एनर्जी मीटर के साथ जो फ्रिक्वेंसी है उसको फ्रिक्वेंसी मीटर के साथ रेजिस्टेंस को ओम मीटर के साथ ऐसे है कि हमारे पास जो भी क्वानीज़ है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज उनको मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ठीक है द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट हमारे वो हैं जो हम यूज करते हैं टू मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आगे हमारे पास आ जाता है यही कि क्लासिफिकेशन क्या है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की ये इनको क्लासीफाइड किया गया है टू टाइप से एक तो हमारा आ गया एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा आ गया सकेंड्री इंस्ट्रूमेंट एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट हमारा वो होता है जिसमें कोई चेंज नहीं आता जो जैसा है वैसा रहता है मतलब हमारे टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर के कारण इसमें कोई चेंज नहीं आता जो जो जैसा है वैसा ही इसका फिक्स्ड यूनिट होता है कोई भी इसके टेम्परेचर या वॉल्यूम या प्रेशर में प्रेशर से इसका कोई मतलब नहीं है कोई लेना देना नहीं कोई इफेक्ट नहीं होता है इसको जो है फिक्स्ड है इसका द इंस्ट्रूमेंट विच गिव दैल्यू ऑफ़ द क्वानिटी टू बी मेजर इन टर्म ऑफ कॉन्सटेंट ऑफ द इंस्ट्रोमेंट आर कॉल्ड एबसोल्यूट वही उन्होंने बताया कि ये इंस्ट्रूमेंट है ये जो क्वांटिटी है इनके फिक्स्ड टर्म कांस्टेंट है इनमें कोई चेंज नहीं आता जो जैसा है वैसा ही रहता है इसका हमारे पास आ जाता है एग्जांपल आ जाती है टें, टेंजेंट ग्लवानोमीटर गिव द वैल्यू ऑफ करंट इन टर्म ऑफ द डिफ्लैक्शन प्रोड्यूस बाई द करंट इसका एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है टेंजेंट गलवेनोमीटर यह हमारे एब्सल्यूट इंस्ट्रूमेंट की एग्जाम्पल है ठीक है आगे द इंस्ट्रूमेंट ये जो इंस्ट्रूमेंट है एब्सोल्यूट ये हम मोस्टली यूज करते हैं स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज में टू मेयर द क्वानिटीज ये इंस्ट्रूमेंट हम कहाँ यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज में क्योंकि इनको फिक्स्ड होता है कोई चेंज ही नहीं आता इसमें ना टेम्परेचर के कारण ना प्रेशर के कारण ना वॉल्यूम के कारण इसमें कोई चेंज नहीं आता जो स्कैंड्री है इसमें चेंज आ जाता है द इंस्ट्रूमेंट विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक क्वान्टिटी मे डायरेक्टली इन टर्म ऑफ डिलेक्ट आर कॉल्ड स्कैंड्री इंस्ट्रूमेंट इसमें चेंज आ जाता है जो ये है द इंस्ट्रूमेंट आर जनरली यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे रिसर्च लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं तो जो हमारा सकेंड्री इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं द टाइप ऑफ सकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हमारे जो सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो है थ्री टाइप्स के आ जाते हैं फर्स्ट हैटिंग इंस्ट्रूमेंट दूसरा है First, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और तीसरा है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट ठीक है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में भी हमारा यही है कि इलेक्ट्रिकल क्वान्टी को मैयर करते हैं ठीक है इसमें हमें इंडिकेट करते हैं हमें जैसे कि हम मीटर है वोल्ट मीटर है उसमें एक पॉइंटर दिया जाता है पॉइंटर हमें इंडिकेट करता है कि ये यह यहाँ जा रही है इसकी वैल्यू बताता है कि इसकी वैल्यू ये है ये हमारे आजकल आपने देखा ही होगा कि कार में हमारी स्पीड इतनी जा रही है ये हो रहा है इतना जो भी हमें बताता है कि ये पॉइंटर बताता है हमें इंडिकेट करते हैं इंस्ट्रूमेंट ठीक है जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे वो आ जाते हैं द इंस्ट्रूमेंट विच एड अप द इलेक्ट्रिकल क्वानिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मेजर द टोटल एनर्जी ये क्या है जो ऐड करते हैं जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं हमारे घर में जो भी ये लगे होते हैं मीटर लगे होते हैं ऐसा तो नहीं कि हमें रोज़ ही उसका बिल आता है इसका क्या है कि फर्दर जो भी हमारी यूज़ हो रही है इलेक्ट्रिकल डिस जो भी हमारी अब यूज़ कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल को तो इसका मंथली हमें ये जो भी है इसको ऐड करके एक इसका बिल बना दिया जाता है ये हमारा आ जाता है इंटीग्रेटिंग इंट्रे, इंस्ट्रूमेंट और आगे हमारे पास आ जाता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास द इंस्ट्रूमेंट विच गिवस द कॉन्टीन्यूस रिकॉर्ड द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वान्टी बीन मेजर कॉल्ड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं हम पल्स वगैरह हार्ट बीट हमारी जब चेक होती है तो वो क्या करते हैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं ये हमारे ये आ जाती हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कि हमारे जो हमारी हार्ट बीट है उसको क्या है? वो रिकॉर्ड करते हैं तभी हमें पता चलता है जो भी है ये रिकॉर्ड होती है चीज़ें हमारी हार्ट बीट को वो रिकॉर्ड करती हैं या जो भी है जो स्कैन करते हैं वगैरह सब हम क्या करते हैं रिकॉर्ड हो जाता है ठीक है आगे हम कल करेंगे इसके इफेक्ट्स क्या क्या है जो भी है कल करेंगे आज इतना था कि इंट्रोडक्शन देनी थी कि आपको इलेक्ट्रिकल मेजरिंग एंड मेजर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं आपको पता तो चले कि ये क्या है ओके okay? जो भी डाउट हुआ आप पूछ सकते हैं